नमस्कार, स्वागत है आपका नई तकनीक नया भारत के इस नए एपिसोड में। हम इस कार्यक्रम में आपके लिए खेती की नई तकनीक बताते हैं ताकि कम पूंजी लगा सकने वाले किसानों को भी खेती से ज्यादा लाभ मिल पाए। हम बताते हैं कैसे किसान नई तकनीकों से जुड़ पाए, कैसे वो सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ उठा सकें, क्योंकि आप जितनी खेती की नई तकनीक की जानकारियों से अवगत होंगे आपकी स्थिति उतनी ही मजबूत होगी। तो आइए इस दिशा में आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर, नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई, सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत। नई तकनीक नया भारत। नई तकनीक नया भारत। देश में बढ़ती आबादी के कारण खेती की जमीन पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमेशा से अपने लिए नए विकल्प खोजने वाला इंसान भला क्यों पीछे रहता। इसलिए आज के आधुनिक दौर में खेती को लेकर दुनिया में कई तरह के नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इनमें हाइड्रोपोनिक खेती एक ऐसी नई तकनीक है। आंधी तूफान आए, ओले पड़े, बारिश हो जाए या फिर भीषण गर्मी हो, आप फिर भी अपनी मनचाही सब्जी या फिर फूलों की खेती कर सकते हैं। परंतु कैसे, इसकी जानकारी के लिए देखिए ये खास प्रस्तुति। आज के आधुनिक दौर में खेती को लेकर दुनिया में कई तरह के नए प्रयोग हो रहे हैं। इनमें हाइड्रोपोनिक यानी जलीय खेती का चलन बढ़ता ही जा रहा है। बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रहने वालों के लिए ताजा फल सब्जियों की उपलब्धता एक बड़ा सवाल है। ऐसे में दुनिया के कई देशों में आजमाई जा रही नई तकनीक के बारे में हमारे देश के लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। अमेरिका और इजराइल समेत कई देशों में आज हाइड्रोपोनिक तकनीक अपनाई जा रही है। ये बिना मिट्टी के कम संसाधन और कम जगह में अच्छी उपज देने वाली नई विधि है। हाइड्रोपोनिक खेती को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसको सॉयलेस कल्टीवेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सॉयलेस कल्टीवेशन के अंतर्गत आने वाला एक तकनीक। तो हाइड्रोपोनिक जल कृषि कहते हैं। इसमें दो प्रकार की जल कृषि है। एक आजकल हम आर्टिफिशियल, जिसको हम कृत्रिम रूप से बना करके पाइपों में, गमलों में, इसको हम उपयोग करके करते हैं। दूसरे अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि हमारा नेचुरल हाइड्रोपोनिक जो खेती है वो हमारे पुराने समय से होती आ रही। जैसे हम देखें तो सिंघाड़े की खेती जो हमारे गांव में गड्ढे होते हैं, पानी भरा रहता है, उसमें होती है। और करेमू साग है, वो भी होता है। और कमल ककड़ी है, देखा जाए तो वो भी हाइड्रोपोनिक है, नेचुरल। इसमें कुछ करना नहीं होता है। ये एक्चुअल मतलब बोलते हैं कि भगवान का हाइड्रोपोनिक हो गया, यानी नेचुरल हाइड्रोपोनिक सिस्टम है। पहले जानिए हाइड्रोपोनिक खेती के बारे में। इसे जलीय खेती कहते हैं, यानी शेड के अंदर, रूम के अंदर पाइप के द्वारा पानी सिंचाई कर उनमें कुछ कुछ दूरी पर पौधे लगाए जाते हैं। बिना मिट्टी के पौधों को पोषण इसी पानी से मिलता है। वो तेजी से वृद्धि करते हैं और इस तरह कुछ खेती की खास क्रियाओं के जरिए भरपूर उपज ली जा रही है।
ये खेती बहुमंजिली इमारतों में, घरों के अंदर, छतों पर, यानी शहरों में आसानी से की जा सकती है। जहां खेती योग्य जमीन नहीं है, वहां भी लोग इस विधि से फल और सब्जियां उगा रहे हैं। दरअसल घर के बाहर होने वाली खेती बहुत कुछ मौसम पर निर्भर करती है, लेकिन घर के अंदर होने वाली खेती के लिए उस फसल के हिसाब से जरूरी मौसम भी तैयार कर लिया जाता है। इस तरह की खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल नहीं होता, यानी उत्पादन पूरी तरह जैविक होता है। पंप के जरिए इन तक काफी कम मात्रा में पानी पहुंचाया जाता है। इस पानी में पोषक तत्व पहले ही मिला दिए जाते हैं। एलईडी बल्बों से कमरे में रोशनी की जाती है। इस प्रणाली में मिट्टी की जरूरत नहीं होती। इस तरह से उगाई गई सब्जियां और फल खुले खेतों में ली गई उपज की तुलना में ज्यादा पोषक और ताजा होते हैं। अगर ये खेती छत पर की जाती है तो इसके लिए तापमान को नियंत्रित करना होता है। इसमें ये जरूर देखना है, इसमें इलेक्ट्रिक होना चाहिए और एक पंप जरूर लगता है। वह पंप पानी उठा के पाइपों में डालेगा और पाइपों से पानी चल के या चैनलों से पानी चल के फिर दूसरे टैंक में जाता है। जब ये टैंक खाली हो जाता है तो फिर इसमें फ्रेश सोल्यूशन बनाते हैं और उस सोल्यूशन को हम दोबारा फिर से यूज करते हैं। तो यह क्रिया आपको जैसे एक 7-7 दिन की, 5-5 दिन की आपके अनुसार बनानी होती है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार 5 दिन का बना लें या 7 दिन का बना लें। अगर पानी कम है तो आपको कम दिन की बनानी होगी, अगर पानी बहुत ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, तो आपको 7 दिन का, तो 7 दिन पे सोल्यूशन चेंज करना होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको सोल्यूशन 7-7 दिन पे चेंज करना है, फ्रेश वाटर को बीच बीच में देना है और ये पंप के द्वारा देते हैं। दरअसल इस तरह से पौधे लगाने से खरपतवार के प्रबंधन और मल्चिंग की जरूरत से छुटकारा मिल जाता है, जिससे हर बार की लागत में अच्छी खासी कमी आती है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि उतनी ही जमीन में इस विधि से खेती करने पर 3 से 4 गुना ज्यादा पौधे लग जाते हैं। चाहे आंधी तूफान आए, ओले पड़े, भारी बारिश हो जाए या फिर भीषण गर्मी हो, आप अपनी मनचाही सब्जी या फिर फलों की खेती कर सकते हैं। चाहे मौसम कोई भी हो, आप हर तरह की फसल उगा पाएंगे। इसमें ग्रोवर हैं, जो भी इसमें व्यवसायिक रूप में ये खेती होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड खेती है हाइड्रोपोनिक, तो इसमें जो भी किसान भाई कह लें, जो भी शहरों के क्षेत्रों में इस खेती में उतरते हैं, तो लाभकारी तो है, लेकिन इसमें पहले शुरुआती दौर पे लागत भी काफ़ी अच्छी आती है और उसके बाद इसको लाभ मिलने में थोड़ा सा मेहनत करने का ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सब्जियां फ्रेश हैं और कम से कम रसायन में होती हैं, कम से कम पेस्टिसाइड में होती हैं, तो ये जो हमारा मतलब एक तरह से मिनी जैविक खेती के लगभग होता, रसायन फ्री होती हैं, पॉल्यूशन फ्री होती हैं, तो ये महंगे दामों पर बिकती हैं। तो इसकी जो लागत है, किसान 1 साल या 2 साल के अंदर जो भी पैसा इसमें खर्च करेगा, इसके स्ट्रक्चर बनाने में, पंप लगाने में, फिल्टर लगाने में, फर्टिगेशन टैंक में, हैं जो भी इसमें इलेक्ट्रिक बिल आएगी, जो भी कुछ है पीवीसी पाइप में, कप में, जो भी है, जितना भी खर्चा होगा, ये मोटा मोटा आप जान के चलिए कि 400 से 500 रुपया पर मीटर स्क्वायर के करीब ये बैठेगा। तो 400 से 500 रुपया पर मीटर स्क्वायर के करीब अगर ये खर्चा बैठता है, तो ये खेती का खर्च जो है 1 साल या 2 साल में किसान निकाल सकता है। दूसरे देशों में इस तरह स्ट्रॉबेरी खेती सहित कई फसलों की खेती को बेहद सफलता से किया जा रहा है। अपने देश में विशेषज्ञ इसकी सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आधुनिक विधियों से खेत में स्ट्रॉबेरी लगाकर हमारे देश के किसान लाखों कमा रहे हैं। हाइड्रोपोनिक विधि से लागत बेहद कम की जा सकती है, जबकि पैदावार कई गुना बढ़ जाती है। जमीन से फलों का संपर्क ना होने के कारण फसल में कीट बीमारी की आशंका भी
बेहद कम हो जाती है। इस तरह की खेती की नई विधियां कम संसाधनों में भी फसलों की पैदावार बढ़ाने का बेहतर तरीका है। आप भी इन्हें आजमा कर ना सिर्फ अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं बल्कि भविष्य की राह भी मजबूत कर सकते हैं। इस तरह की खेती की नई विधियां कम संसाधनों में भी फसलों की पैदावार बढ़ाने का बेहतर तरीका है। आप भी इन्हें आजमा कर ना सिर्फ अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं बल्कि भविष्य की राह भी मजबूत कर सकते हैं। अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस आएंगे और आपको नई जानकारियों से अवगत कराएंगे। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। दूसरी ओर ड्रिप सिंचाई सीधे पौधों की जड़ों को पानी और उर्वरक देने के लिए शानदार प्रणाली है। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया। चाहे आंधी तूफान आए, ओले पड़े, भारी बारिश हो जाए या फिर भीषण गर्मी हो, आप अपनी मनचाही सब्जी या फिर फलों की खेती कर सकते हैं। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। खेती किसानी को प्राकृतिक कर्म माना जाता है, इसीलिए किसानों को धरती पुत्र भी कहा जाता है। धरती पर निर्भरता के अलावा प्रकृति की दूसरी चीजों पर भी उनकी निर्भरता उतनी ही ज्यादा है। अब सूर्य से मिलने वाली असीम ऊर्जा किसानों और ग्रामीणों की तकदीर बदलने में सहायक हो रही है। किसानों का कहना है कि सौर ऊर्जा ने जहां बिजली पर निर्भरता को खत्म किया है, वहीं सूक्ष्म सिंचाई तकनीक ने सिंचाई का क्षेत्रफल भी बढ़ा दिया है। कैसे, आइए देखते हैं। आज हमारे देश की 22% ऊर्जा और 80% पानी का उपयोग अकेले कृषि क्षेत्र में होता है, जो कि कृषि में उत्पादकता के लिहाज से बहुत ज्यादा है, लेकिन तकनीकी जानकारी के अभाव में किसान मजबूर है। मगर सौर ऊर्जा संचालित ड्रिप सिंचाई प्रणाली के इस्तेमाल से हम ऊर्जा के साथ पानी के नुकसान को भी कम कर सकते हैं। ये प्रणाली सौर ऊर्जा चालित पंप और ड्रिप सिंचाई प्रणाली का मिलन है। सौर ऊर्जा संचालित पंप ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम को कम करता है। दूसरी ओर ड्रिप सिंचाई सीधे पौधों की जड़ों को पानी और उर्वरक देने के लिए शानदार प्रणाली है। ये फसल की पैदावार को तो बढ़ाती ही है, साथ ही ऐसे क्षेत्र जो पूर्ण रूप से बरसात पर निर्भर होते हैं, वहां पर फसल और बागवानी पैदावार में मदद करती है। इस प्रणाली में पंप को सौर पैनल से शक्ति मिलती है, जो पानी के टैंक को भरने में मदद करता है। इस पानी को सिंचाई के लिए किसान काम में ले सकते हैं। हालांकि जो किसान ड्रिप से सिंचाई करना चाहते हैं, उन्हें पानी का टैंक कुछ ऊंचाई पर रखना चाहिए, ताकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी कम दाब पर भी ड्रिप सिंचाई प्रणाली तक पहुंच सके। पंप
टैंक और खेतों के क्षेत्रफल का निर्धारण पानी की उपलब्धता और क्षेत्र के लिए अनुमानित वाष्पन उत्सर्जन की जरूरतों के आधार पर किया जाता है। केंद्र सरकार हमेशा कह रही है कि जो अच्छे ऊर्जा का सोर्स है, स्रोत है सूरज, उसकी जो एनर्जी को कंजर्व करके हम सौर ऊर्जा में कन्वर्ट करके हम जितने भी एग्रीकल्चर में बिजली की खपत होती है वहाँ हम सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम बिजली की बचत कर सकते हैं। मैंने ये सोलर लगवाया है। सोलर का फ़ायदा यही है कि बार बार बिजली की ट्रिपिंग होती थी और इसमें रात को बिजली आना और फिर समय पर फुहारे बदल नहीं सकते थे, इसको बार बार में पूरी रात भर जगना पड़ता था इसलिए, और ये बिजली का खर्चा बिल बंद हो गया और सोलर से अच्छा काम चल गया। अब इस तकनीकी को समझने के लिए विस्तार में जाना जरूरी है। आखिर कैसे प्रकृति और विज्ञान का गठजोड़ इसे किसानों के लिए कारगर बनाता है और खेती में ये नुस्खा आजमाना किसानों के लिए कई लिहाज से फायदेमंद साबित हो सकता है, तो इस तकनीकी को विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले सौर ऊर्जा के इस प्रयोग की जरूरतों को समझिए। सौर पैनल, इसमें अर्धचालक लगे होते हैं जिससे फोटोवोल्टिक प्रभाव उत्पन्न करके प्रकाश ऊर्जा को बिजली में बदला जाता है। एक सौर पैनल बहुत सारी छोटी छोटी सौर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सौर पैनल को हम दो तरह से लगा सकते हैं, एक निश्चित स्थान पर, दूसरा ट्रैकिंग संरचना पर। निश्चित संरचना वाले पैनल कम महंगे और उच्च वेग वाली वायु को भी सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर ट्रैकिंग संरचना थोड़ी महंगी होती है, परंतु इसमें सौर पैनल को आसानी से सूरज की दिशा में कर सकते हैं। ये संरचना निश्चित संरचना की तुलना में 25% ज्यादा पानी देती है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आगे और जानकारियां लेते हैं। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। सामान्यता भारत में 300 स्पष्ट धूप दिन होते हैं, इसलिए किसानों को सौर ऊर्जा संचालित प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया। प्रकाश ऊर्जा को बिजली में बदला जाता है। एक सौर पैनल बहुत सारी छोटी छोटी सौर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं कुछ और जानकारियों के साथ। सोलर पंप, सौर ऊर्जा से चलाने के लिए विशेष पंप का उपयोग किया जाता है जो कि डीसी यानी डायरेक्ट करंट से चलते हैं। ये पंप बहुत दक्षता वाले होते हैं और इनकी कीमत भी एसी यानी अल्टरनेट करंट से चलने वाले पंप से अधिक होती है। दोस्तों यदि हम इसको सौर ऊर्जा आधारित पंप हो या सौर ऊर्जा आधारित पैनल हो उनके माध्यम से ड्रिप इरीगेशन की सहायता से हम कृषि में पानी का उपयोग करें तो लगभग जो पानी है उसकी 50% तक हम बचत कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हमको जो बिजली में होने वाले फायदे हैं वो उसको हम सौर ऊर्जा के माध्यम से उसमें कन्वर्ट करके हम पैसे बिजली के माध्यम से भी हम पैसा बचा सकते हैं और पानी के माध्यम से भी हम पैसा बचा सकते हैं और जो बचा हुआ 50% पानी है वो आने वाले कल के लिए या और भी कृषि आधारित
उद्योग धंधे हैं स्थापित हो रखे हैं उनके लिए हम बचत कर उनको पानी प्रदान कर सकते हैं। पानी का टैंक, इस प्रणाली में टैंक पानी भंडारण के लिए उपयोग में लेते हैं। टैंक की भंडारण क्षमता कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वो 3 दिन तक पानी की मांग की आपूर्ति कर सके। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि रात के समय और बादलों के दिनों में सूरज नहीं होने के कारण ये प्रणाली काम नहीं करती है। सोलर पैनल को स्थापित करना। सामान्यतः भारत में 300 स्पष्ट धूप दिन होते हैं, इसलिए किसानों को सौर ऊर्जा संचालित प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सौर ऊर्जा संचालित ड्रिप सिंचाई प्रणाली किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, जो 50% से अधिक पानी की बचत करता है, साथ ही अक्षय ऊर्जा का भी उपयोग करता है। ये प्रणाली दूर दराज के गांवों के लिए बहुत उपयोगी और धूप वाले दिनों के दौरान सबसे प्रभावी है। इस प्रणाली से किसान की आय तो बढ़ती ही है, साथ ही प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के खर्चे को बचने में भी मदद मिलती है। फायदे में बात करूं सबसे है, हमको 24 घंटे किसान को बिजली चाहिए होती है, तो वो केवल 24 घंटे हमको सोलर पैनल से ही मिल सकती है। जो सोलर पैनल की जो एनर्जी है, सौर ऊर्जा से एनर्जी मिलती है, उसको हम बैटरी में कंजर्व कर सकते हैं। जब हमको आवश्यकता पड़ेगी 24 घंटे में कभी भी, हम उसके माध्यम से हम ड्रिप इरिगेशन सोलर पंप चला सकते हैं। इसके कारण ही, इसके साथ साथ ही हम जो प्रदूषण होता है डीजल के इंजन चलाने से, वो हम काफ़ी हद तक बचा सकते हैं, प्रदूषण बचा सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, उत्पादन की जो लागत है उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में लगने वाले सोलर पंप पर केंद्र और राज्य सरकार उद्यान विभाग के माध्यम से सब्सिडी देती है। पंप लगवाने के लिए इच्छुक किसान सब्सिडी की प्रक्रिया को समझकर और सही तरीके से नियमों के अनुसार आवेदन फार्म भरकर उन्हें विभाग में जमा करा सकते हैं, जिसके बाद सरकार की ओर से अनुदान जारी किया जाता है। देश के सभी राज्यों में इसकी कीमतों में अंतर देखा जा सकता है, क्योंकि इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग अनुदान देती है। हम वैसे बात करें तो लगभग जो सरकार है 60% तक सब्सिडी उपलब्ध कराती है, उसमें से 30% राज्य सरकार, 30% केंद्र सरकार की ओर से पोषित होता है। वो बचा जो 40% है, उसमें से 10% तो किसानों को पैसे जमा कराने ही पड़ेंगे, 30% में किसान किसी भी बैंक से लोन ले सकता है। ये सोलर को हमने 2012 के लगभग लगवाया था, और इसमें उस टाइम 86% सब्सिडी थी, और गवर्नमेंट ने खूब इसको प्रस्ताव ये ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी, और हमने समय पे लगाया, इसलिए हमें सब्सिडी भी अच्छी मिली और ज़्यादा फायदा मिला। तो साफ है कि इस तकनीकी का इस्तेमाल कई तरह से किसानों की मदद कर उनकी लागत को घटा सकता है। ऐसा प्रयोग न केवल मौसम पर उनकी निर्भरता को कम करने में मददगार है, बल्कि खेती में प्राकृतिक आपदा की अनिश्चितता को काफी हद तक दूर करने का अचूक नुस्खा बन सकता है। कृषि क्षेत्र में ऊर्जा और पानी के इस दुरुपयोग को रोकने की बहुत जरूरत है। अगर किसान सौर ऊर्जा संचालित सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाए तो बेशक बिजली और पानी की बर्बादी बचाई जा सकती है, और खेतों में कम लागत में भी ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नई तकनीक नया भारत के अगले एपिसोड में खेती की नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर, नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर, नई तकनीक नया भारत। कृषि
कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई, सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई, धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत, नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत।